महतो की बात है, तो जयराम महतो को जो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने का अकल नहीं है, तो बोलने का अकल किसको है? ये आके आके मुंह में मीठा 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 बात करने का, अरे वो नेता मैदान में तो जाके दिखाई कोई जाके एमडी के के नेता का यही पॉलिसी है। वोट के समय आएंगे, वोट लेंगे, मजदूर मरेगा। मैया योजना से हमको कोई मतलब नहीं, मैया योजना की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे जयराम महतो बोला, बताओ एक मिनट, जयराम महतो जयराम महतो क्या नहीं? आपका एक नेता को जाता है बीसीसीएल में बात करने के लिए? बीसीसीएल में इतना मौतें होती है, सीसीएल में इतनी मोती होते, कम से कम सुनिए, ये खाली जाति पाति खाती बस यही सब करते रहेगा, खतियान पतियान के बारे में कुछ नहीं करेगा। आपका कहने का मतलब है कि जो ये मोदी जी यहाँ भाषण कर रहे हैं वो बेफजूल है? फजूल है, पूरे फजूल, झारखंडियों के लिए नहीं है, नहीं एक बूंद नहीं। कहाँ झारखंड के बारे में बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोला जाए? कहाँ सेंटर में नहीं काम हो रही? कैसे कोई काम है? झारखंड का पेपर लिखोगे उस पर आवाज उठा रहे, पेपर नीट के बारे में एक बार भी बोले, रोजगार के बारे में एक बार भी बोले, खाली जाति के बारे में ला रहे हैं, तो कहाँ काम है? और आपके अनुसार आप क्या क्या होना चाहिए? जात पात और धर्म में सूट के हम लोग को वोट देना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। हाँ, जात पात धर्म से उठ के हम लोग को वोट देना चाहिए। मोदी गोदी मोदी हो गया है, इसका इसको 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 हटाना ही हटाना पड़ेगा। इससे कुछ पिछले 7 साल से एक क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। कहाँ बोलते हैं? संसद भवन में बोलते हैं। उनको ये तक पता नहीं कि नीट का, भारत के सबसे बड़ा एग्जाम नीट का भी जो है सो पेपर लीक हुआ है। अरे बोलता है कि 7 साल में परीक्षा का कोई पेपर लीक। वैक्सीन उन्होंने देने का काम किया, एक अच्छी काम है, एक मेडिसिन वाले काम है, तो उस मेडिसिन सर्टिफिकेट से अपना फोटो क्यों? पूरे देश भर में बड़ा बड़ा पंडाल, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े, अभी एक भाई साहब बता रहे थे कुछ देर पहले कि सुबह से जो सो हम लोग भूखे हैं, ये पंडाल बना रहे। अभी मान के चलिए इतने इतने करोड़ों रुपए खर्चा करना, इनका जो है सो फंड कहाँ से आ रहा है? बस किसी तरह से जो है सो फंड अलॉट किया, उस फंड के नाम से थोड़ा सा कुछ जारी हुआ, सारा फंड जो है कहाँ गए? बीजेपी पार्टी के। क्या बीजेपी विकास नहीं करेगी? बीजेपी विकास करे या ना करे, उसका जो है सो 2014 से 19 उन्हीं का फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट रहा, लेकिन एक जब स्थानीय नीति नहीं लाया, नियोजन नीति नहीं लाया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो विकास करेगा? कैसे करेंगे? कैसे विश्वास कीजिएगा विकास करेगी बीजेपी? जैसे बीजेपी का भी हम तो इनसे सहमत हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं झारखंड के लिए। सरकार बनाने के समय बहुत तरह के वादे होते हैं, इनको इस पर अमल करें। नरेंद्र मोदी आए यहाँ पे जमशेदपुर में, और उन्होंने बोला कि मैं आके जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, हमने पीजीटी का और जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सीबीआई जांच करवा देंगे। लेकिन मैं आज इस चैनल में रिकॉर्ड रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी नहीं करवाएगा। ये केवल ये सत्ता, बड़ा बात बोल रहे हैं, केवल ये सत्ता पाने के लिए यहाँ आना चाहिए। इतना गद्दार है सीता सुरन, इतना गद्दार है जिसका कोई हद नहीं है, उसको अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो चला गया बीजेपी। हम बीजेपी को भी ये बोले, इनसे हम सहमत हैं, मोदी जी को यहाँ का हाल चाल लेना चाहिए जब इनका गवर्नमेंट रहता है। वास्तविक चीज है, हमको लोकलिटी पहले देखना चाहिए, वो लोकलिटी में फिर मोदी जी ने। चंपा सरन बहुत बड़ा लिखा नेता नहीं है जो कि वो मुख्यमंत्री पद संभाल ले, लेकिन उसको बरीय अधिक मैंने बरीय पोस्ट के देश के बेटा है, वो भी बहुत कुछ करते हैं देश के लिए। और दिवाली में 83,000 करोड़ ना डायरेक्ट अकाउंट में डाल दे। हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए, हमारे बेटियों के लिए काम किए, लेकिन बेटों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बेटी को अंदर बैठाया जा रहा है और बेटा को लाठी से मारा जा रहा है। मोदी जी को देख लिए? देख तो जा रहे हैं आप? नहीं जा नहीं रहे, कुछ चाय पानी हो जाए। अच्छा, चाय पानी के लिए जा रहे हैं? जी जी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रोग्राम तो अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोग बीच प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जा नहीं रहे, आ रहे थोड़ा सा चाय पानी। भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था? व्यवस्था भी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज? चर्चा अभी फिलहाल चलिए रहा है। चर्चा किन किन मुद्दों पर चर्चा अभी आपको सुनाई दे रहा है? अभी अभी मोदी जी अभी जस्ट मंच में आए हैं, अभी जो चर्चा होगा उसके बाद आपको सारा जवाब दिया जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखे, पेशेंस बनाए रखे आप, ठीक है? कौन पार्टी से आए आज? किसी पार्टी से आए हैं हम? किस किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है? कुछ जानना अभी मोदी जी जानना चाहते हैं। मोदी जी भाषण देने के लिए अच्छी बात है, पहले पूछ रहे हैं। मोदी जी आपका देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल, इतना काम ही कर दिए ना कि
कुछ बोले इसे हम लोग देख के खुश हो गए। लाइव देखना था बस हम लोग को, बस मोदी जी को सिर्फ लाइव देखना सामने से। शाम में 5 बजे गंगा आरती भी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारा चीज का लोकार्पण भी किए हैं, 80,000 करोड़ का, 83,000 करोड़ का अभी जो किए हैं, उसका सब चीज का अभी सारा चीज डिटेल अभी आपके पास आएगा। पूरी भाषण अभी चली रही है, अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे, सारा चीज आपको डिटेल में बता रहे। अभी चलिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा। चाय पानी के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल अभी ये लोग रेस्ट के लिए थोड़ा सा जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। इधर देखिए, अभी यहीं आप लोग आइए, ये देखिए इधर भी महिलाएं लोग भी आ रही है। आप लोग बोलेंगे? आइए आइए आइए। कहाँ से आए सर आप? कोडरमा से आए। कोडरमा से चल करके मोदी को देखने आए? जी जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए, हमारे बेटियों के लिए काम किए, लेकिन बेटों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बेटी को अंदर बैठाया जा रहा है और बेटा को लाठी से मारा जा रहा है। इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि अगली बार से लड़का लोग को भी थोड़ा छूट दिया जाए, उन लोग को भी चेयर दिया जाए, उन लोग को भी नाश्ता दिया जाए, उन लोग को भी पानी दिया जाए, क्योंकि हमारे जो देश के बेटा है वो भी बहुत कुछ करते हैं देश के लिए। और दिवाली में 83,000 करोड़ ना डायरेक्ट अकाउंट में डाल दे, और अपना जान का बलिदान देके सुरक्षा करते हैं अथी बॉर्डर पे, तो हम यही कहना, उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनके लिए भी कुछ आगे। अभी नहीं हो रहा है उनके लिए? उनके लिए पढ़ने मिल रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। हम सुबह से खाली पेट है, सुबह से खाली पेट है। कोडरमा से आप खाली पेट आए? हाँ, कोडरमा से खाली पेट आए। बताओ, होना चाहिए था? ये गलत है। चलिए, खड़ा हुआ है, एक ही सबके लफ्ज पे दिख रहा है कि मोदी जी को सिर्फ देखने आए हैं। मोदी जी देखने आए आप? भाषण सुने मोदी जी का? सुने। कैसा लगा मोदी जी को देखने? बढ़िया लगा। पहली बार देख रहे थे या सेकंड टाइम था? फर्स्ट। मोदी जी को पहली बार देख रहा हूँ। चलिए, हजारीबाग में आज गांधी जयंती है, इस मतलब अवसर पर आए हैं, तो कुछ सौगात वगैरह मिलने की चांस है? कुछ मुद्दा पे चर्चा हो रही है, कुछ हजारीबाग को बेनिफिट होने वाला बात हो रही है? देखिए, हजारीबाग के मुद्दा पर जो है ना, सो वैसा चर्चा तो नहीं हुआ। यहाँ हम लोग विस्थापित खतियानी से जो लड़ रहा है झारखंड, वो चीज के विषय में कोई नेता नहीं बोला, और न मोदी जी अभी भाषण दे ही रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं अब उन पर ये होता है। अब उनका भाषण आपके सब रहा? हाँ। तो आपका क्या क्या और होनी चाहिए थी? यहाँ बीजेपी की बात हो रही है। हाँ। बीजेपी अपना जो है मुद्दा तो रखेगी, लेकिन हाँ। हजारीबाग के तरफ से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ कंपनी लोग जितना हावी हो चुका है ना, हाँ। हजारीबाग जिला में, वो सब पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, वो सब पर चर्चा होनी चाहिए। और क्या मैं बोलूं, आपके अनुसार क्या और क्या चर्चा होनी चाहिए? मोदी जी इस देश के सही सपूत हैं और वो रत्न है इस देश के लिए, उनका एक एक धड़कन इस देश के लिए कुर्बान है मोदी जी का, और इसीलिए मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। वो अपने आप को देश के लिए ही दान कर दिए हैं, इस देश की जनता के लिए दान कर दिए हैं, और वो जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की पूरी जनता के लिए जीते हैं, और इसी यही कारण है जो सब देखने लोग उनको आए। जी, बताइए, देखा आपने जिस प्रकार यहाँ लोग लाखों की भीड़ में देखने आए हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी? कोई बोलना चाहेंगे आप लोग? खुल करके आगे आइए अगर यदि कोई बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम जाए किसके पास? किसी यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है कि ये बोलने वाला विद्यार्थी या तो बोलने वाला आदमी, बात सही है? हाँ, यदि कोई बोलना चाहते हैं आप लोग बोलना चाहिएगा। आप हैं, मोदी जी का भाषण सुने हैं? अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। चलिए, एक ही प्रतिक्रिया आ रहा है कि अच्छा लग रहा है, लोग को अच्छा लग रहा है और अच्छा लगना भी चाहिए। मोदी जी भी भाषण दे ही रहे हैं, इस बीच लोग निकलते जा रहे हैं, और बोलिए। हाँ, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं तो गिरिडीह से हूँ, लेकिन यहाँ रह के पढ़ाई करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही आग्रह करता हूँ कि आपने जो इतने सारे जो आज लोगों को परेशान किए, ठीक है बड़े नेता आते हैं तो परेशानी होती है, लेकिन मुझे लगता है ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। इस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके यहाँ के लोगों को जो है सो उससे लाभान्वित करना चाहिए, ना कि इतने सारे वेस्टेज करना चाहिए रिसोर्सेज को। और जहाँ तक बात रही झारखंड की विकास की, तो बीजेपी और कांग्रेस की जो रहा है नीति अभी तक, इससे तो यह साफ पता चलता है कि इन लोग जो है कोई लोकल इश्यूज को देखते नहीं है, छात्रों का जो मेन प्रॉब्लम्स है उनको देखता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जो बेहतर झारखंड के लिए नीति बनाए, जैसे नियोजन नीति और स्थानीय नीति। और इसमें अभी वर्तमान समय में एक व्यक्ति जो नज़र आ रहा है वो जयराम महतो है। मैं चाहूँगा कि
उनके बारे में लोगों को प्रचार करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें, बहुत सारे आप बीजेपी की सभा में आए हुए हैं और इतना मुखरता से जेबी केसेस का बात कर रहे हैं। इतना मुखरता से बात करने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें से 40% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मोदी जी को देखने आए थे। मोदी जी बेशक एक ईमानदार और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके जो लोकल लीडर चाह भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनको आप आने भी नहीं बोल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं विधानसभा में, नहीं मैं कह रहा हूं, इस बात को सपोर्ट कर रहा हूं। मोदी जी एक अच्छे नेता हैं बेशक, लेकिन उनके जो यहां के लोकल लेवल के कार्यकर्ता लोग हैं, यहां के जो नेता हैं, वो केवल अपने भरने के पीछे रहते हैं। और ऐसे में मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी उन सभी के ऊपर जो है सो बड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों को सस्पेंड करते हुए हम लोग खास करके युवा लोग जितने भी हैं हजारीबाग, इतनी जो आज भीड़ आपको देख रही है, ये कोई हजारीबाग में जो हर एक झारखंड के लगभग सभी जिलों से यहाँ स्टूडेंट आके पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए इतनी बड़ी हुजूम है यहाँ पे, वरना ऐसे डायरेक्ट हुजूम नहीं आ पाता यहाँ पे इतना, ठीक है। तो बीजेपी के जो लोकल नेता लोग हैं, बाबूलाल मरांडी हो या अमर कुमार बावरी हो, ये सब जो ये नौटंकी दिखा रहे हैं केवल कि हम इतने बड़ा जो है सो भीड़ को इकट्ठा किए। चंपा सोरेन वर्तमान में, वो आप बताते हैं वो पहले जेएमएम में थे जी, बिल्कुल, वो पूरा अपना उम्र बिताए हैं जेएमएम में, बिल्कुल। उनको कुछ दिन पहले उनको समझ में आता है कि हम जेएमएम में थे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे थे, अब हमको परिवर्तन करना है, झारखंड को बदलना है, इस परिवर्तन के सोच को लेकर के वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कैसा परिवर्तन अब होगा उनके द्वारा, ये थोड़ा बताइए। हम जहाँ तक चंपई सोरेन की बात है, देखिए अपमान थोड़ा सा उनको किया गया, पीजीटी में जो नौकरी हुई, अभी मैं भी पीजीटी का अभ्यर्थी हूँ अर्थशास्त्र का, और मैं 121 नंबर लाया 150 में से, और अभी नौकरी से वंचित हूँ। इसका कारण यही है कि टोटल सीट को जो है सेटिंग किया गया यहाँ पे और बेचा गया। उस समय शायद मुझे, मैं उतना क्लियरली नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक चंपई सोरेन की बात है, मैं चाहता, मैं जब उनका अटकलें आने लगी कि वो पार्टी छोड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो झारखंड के कोई लोकल पार्टी के साथ ज्वाइन करेंगे, जैसे जयराम महतो की पार्टी है या अमित महतो की पार्टी, इन लोगों के साथ जाएंगे। लेकिन जब देखें कि वो बीजेपी के साथ गया, तो ये चीज़ हम लोगों को और सारे लोगों को जो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस बातों पे, उनको लगने लगा कहीं ना कहीं ये खुद के बचाव में गए हैं, कहीं ना कहीं पीजीटी में इनका भी, पीजीटी के धांधली में इनका भी हाथ है। आती है कि पूरे जिंदगी वहाँ बिताए हैं, तो ऐसा कुछ समय में अभी विधानसभा चुकी आने वाला है, क्या हुआ उनका मन, हृदय परिवर्तन क्या हुआ, कैसे हुआ जो अचानक झारखंड के लिए ख्याल आने लगा? देखिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि एक चीज़ कहा गया है, बहुत प्रचलित है, सोशल मीडिया में वायरल है, कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह काम भी करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पीजीटी में वो भाजपा के सभा में आए हुए, भाजपा के सभा आए, देखिए मैं सभा आने से कोई मतलब नहीं है कि भाजपा का आदमी हूँ, ठीक है, ना ही मैं जयराम का महतो के, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ाई करता हूँ, और हमारे जैसे यहाँ 10,000-20,000 लोग स्टूडेंट लोग आए हुए हैं, ठीक है, और वो केवल मोदी जी को देखने के लिए और उनसे यही अपेक्षा करने के लिए कि वो भी कुछ ऐसे आवे। वो नेशनल पार्टी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यदि आपकी पार्टी यहाँ आती है, ठीक है, ऐसे हमको तो संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है, यदि आती है गठबंधन करके जोड़ नाड़ के, तो स्थानीय नीति बना दे, नियोजन नीति बना दे, और यहाँ के युवाओं के प्रति अच्छा कुछ काज करे, और लोगों को कम से कम जितने परसेंट नौकरी है उतनी नौकरी जरूर दिया जाए, बेचा नहीं जाए, मेरिट वाले लोगों का हत्या नहीं किया जाए। तो देखिए ये हजारीबाग में बीजेपी का सभा है और यहाँ हर एक पार्टी के लोग पहुँचे हुए हैं, और इनका कहना है कि हम मोदी जी को देखने आए हैं, ना कि किसी पार्टी का हम उतना आइडियोलॉजी के लिए यहाँ प्रचार करने आए हैं, सिर्फ मोदी जी को देखने आए हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। चाचा जी, मोदी जी को देख करके कैसा लगा? मोदी जी को तो ठीक लगा, लेकिन चंपा सोरेन इतना गद्दार है, सीता सोरेन इतना गद्दार है, जिसका कोई हद नहीं है, उसको अगर प्रधान मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो चला गया बीजेपी में। अरे उसको तो भरत के जैसा करना चाहिए, पता ले आए हैं ना, उसको भरत के जैसा करना चाहिए था, ठीक है, जब भरत जी भगवान आ गए तो छोड़ दिया गद्दी, तो चंपा सोरेन को भी वही काम करना चाहिए। चंपा सोरेन बहुत पढ़ा लिखा नेता नहीं है जो कि वो मुख्यमंत्री पद संभाल ले, लेकिन उसको बरीय अधिक मैंने बरीय पोस्ट के चलते, बहुत पुराना के चलते उसको दिया गया कि चलो भाई मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, दूसरे को भी दिया जा सकता था, लेकिन वो लेकिन वो तो कहते हैं कि हमको परिवर्तन करना है, झारखंड के हित के लिए काम करना है, चंपा सोरेन कहते हैं इसीलिए हम भाजपा में आ रहे हैं। अरे इतनी गद्दार है चंपा सोरेन, जब ये 4 महीना मुख्यमंत्री रहा तब घुसपैठ नहीं हो रहा था झारखंड में क्या? अब इसको तो शर्म आनी चाहिए कि घुसपैठी की जो बात करता है सो।
चार महीना जो रहा उसमें घुसपैठ नहीं हुआ बांग्लादेश के लोगों को, वो मुख्यमंत्री रहे बल्कि उसे 10 साल और जेमे जो रहे सो रहे, लेकिन 4 साल तो मुख्यमंत्री पूरा सत्ता उसके साथ रहा, तो उसको तो चाहिए कि अभी भी घुसपैठ हो रहा है, आप उसको घुसपैठ नजर आ रहा है। सीता सोरेन को अगर मुख्यमंत्री पद मिल जाता तो बीजेपी में नहीं आती, इसलिए ये लोग को अपने अपने पद चाहिए। अब केंद्र में ये लोग को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, चंपई सोरेन को और सीता सोरेन को। आप बड़ा बात बोल रहे हैं। चलिए देखिए दादाजी काफी इस बात से लेकर के आक्रोशित है और यहाँ के लोग भी आक्रोशित है कि यहाँ भी जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, वो नेशनल लेवल की बात करती है लेकिन स्थानीय लेवल की बात नहीं करती है, यहाँ के युवाओं के बारे में बात नहीं करती है और यहाँ के नियोजन स्थानीय नीति को लेकर के बात नहीं करती है। इन लोगों के लिए एक ही मांग है कि यहाँ के स्थानीय, बिल्कुल पिछले बार नरेंद्र मोदी आए यहाँ पे जमशेदपुर में, उन्होंने बोला कि मैं आके जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है हमने पीजीटी का और जितने भी परीक्षाएं हुए सीबीआई जांच करवा देंगे, लेकिन मैं आज इस चैनल में रिकॉर्ड रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी नहीं करवाएगा। केवल ये सत्ता, बड़ा बात बोल रहे हैं आप, केवल ये सत्ता पाने के लिए यहाँ आना चाह रहा है बस, और इसका कोई मतलब नहीं सीबीआई जांच करने से। इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी उसमें भी सेम प्रोसेस रहा, यहाँ जो लोकल इश्यूज थे, लोकल लोगों को नौकरी की बात हुई उसके लिए उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाए, पूरे मेजोरिटी के साथ वो थे तो वो तो बना सकते थे लेकिन उन्हें बनाए। तो मैं यही कहूँगा जो भी आपके चैनल को देखते होंगे, इन तमाम साथियों से यही कहूँगा कि अगर जो 2024 का विधानसभा चुनाव है आप वैसे नेता को दें, वोट दें और वैसे लोगों को प्रधान मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करें जो आपके लोकल इश्यूज पे बात करता हो आपके लिए भविष्य के लिए, क्योंकि आज आप सोच रहे हैं कि मैं नौकरी लेने के लिए नहीं जा रहा हूं इसलिए आपको पता नहीं, जिस दिन आप नौकरी लेने के लिए जाएंगे और आपका सीट कोई दूसरा पैसे वाला लेके जाएगा, आप दिन रात लाइब्रेरी में मेहनत करेंगे और जो दूसरा दिन बिक जाएगा सीट उस दिन आपको पता चलेगा कि ये बेईमान लोगों का, ये डकैत लोगों का, ये चोर लोगों के नेता को चुनने का यही परिणाम हुआ। यही सब कहना चाहूँगा और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा मोदी जी से, यदि आप रियली झारखंड का भलाई चाहते हैं, आप बोलते हैं कि हमको झारखंड से रिश्ता है, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन रिश्ता है, आपकी सरकार रहती है तो क्या आप समीक्षा करते हैं, इसका कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं आप, कभी ऐसा कहिए आप झारखंड के जो प्रसिद्ध चैनल है उसमें आके बताइए कि मैंने मुख्यमंत्री को अपने बीजेपी सरकार को इस गाइडलाइंस के तहत झारखंड का विकास करने की बात कही, कभी इस बात को नहीं कहेंगे। तो प्रधानमंत्री एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए जो भी करें, यदि आपकी पार्टी आती है तो झारखंडियों के लिए काम करें। देखिए सबके जुबा पे सबके लफ्ज पे एक ही बात है, स्थानीय और नियोजन नीति पर बात होनी चाहिए चाहे पार्टी कोई भी हो। इसी प्रकार की हेमंत सोरेन जी जो है योजना पर योजना ला रहे हैं, 2 महीना में उनका खूब योजना आ रहा है, बहुत योजना आ रहा है, या समान योजना बहुत बहुत तरह का। कोरोना काल में कफन देने की बात करती है जेएमएम सरकार सिर्फ, हम बीजेपी को भी ये बोले इनसे हम सहमत हैं, मोदी जी को यहाँ का हालचाल लेना चाहिए जब इनका गवर्नमेंट रहता है, वास्तविक चीज़ है, हमको लोकलिटी पहले देखना चाहिए, वो लोकलिटी में फिर मोदी जी नहीं आते हैं, अभी जब सरकार बनाने की बात आता है तो आ जाते हैं, चलिए ठीक है हम सहमत हैं इनसे, लेकिन ये बहुत गद्दार सरकार है जो आपका हेमंत ये बोल रहे थे चंपई सोरेन का रिमोट तो था उनके पास, हेमंत सोरेन के पास, वो क्या करते बेचारे, उनको तो आए ऐसे ही उठा के फेंक दिए। देखिए जब सरकार आदमी एक घर नहीं चला पाता है और जब मजबूरी में आपको मैंने दे देता है कि चलाओ मेरा घर, तो आदमी कैसे चलाता है वो जानता है नहीं। तो वैसे में यदि उनके पास रिमोट था तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फिर जो है सो उस रास्ते में घुस जाए जहाँ से और भलाई ना हो और उससे बर्बादी हो। ठीक है मैं मानता हूँ मैं जेएमएम का सपोर्ट नहीं हूँ, मैं खुद जो है सो अभ्यर्थी रह चुका हूँ और मैं ये चीज़ को भुगत रहा हूँ, लेकिन यदि ये चंपई सोरेन की बात करते हैं आप कि चंपई सोरेन जो है सो इनका जो चाबी छीन लिया गया, तो ये चाहिए अभी झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड की बात करते हैं, तो यदि वो झारखंड का टाइगर कहते हैं अपने आप को, खुट्टी के टाइगर कहते हैं, कोल्हान के टाइगर कहते हैं, तो उनको तो झारखंड के ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए और उनको झारखंड का विकास करना चाहिए, वो तो चली गई नेशनल पार्टियों में। फिर तो आपका क्या कहना है, क्या बीजेपी विकास नहीं करेगी? बीजेपी विकास करे या ना करे, उसका जो है सो 2014 से 19 उन्हीं का फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट रहा,
लेकिन एक जब स्थानीय नीति नहीं लाया, नियोजन नीति नहीं लाया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो विकास करेगा? कैसे करेंगे, कैसे विश्वास कीजिएगा विकास करेगी बीजेपी? जैसे बीजेपी का भी हम तो इनसे सहमत हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं झारखंड के लिए। सरकार बनाने के समय बहुत तरह के वादे होते हैं, इनको इस पर अमल करना चाहिए और बाद में भी झारखंड आना चाहिए, सरकार बनने के बाद भी आना चाहिए, नियोजन नीति बनाना चाहिए, 1932 का 54 का जो बनाना था बनाना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो नहीं बनाए, उनमें भी कमी है, हम कहाँ उनको फुल कोऑपरेट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन से हम यही दुखी हैं कि वो 4.5 साल में सिर्फ कफन योजना दी, दवा योजना क्यों नहीं दिए भाई, हॉस्पिटल योजना काहे नहीं दिए भाई? आप कई बार घूमे कोरोना काल में अति में हॉस्पिटल में, आपको कम से कम हॉस्पिटल में घूमना चाहिए, दवाई ऑक्सीजन कहाँ है नहीं है ये सब चीज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ में पूरे भारत में बीजेपी का जितना नेता लोग है घूम घूम के काम किया है, इसको कहीं से अति किया जा सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र या पंजाब या हरियाणा से लेबर लाने की बात हो, उस सब पर भी काम किया वो लोग, और इस सब पर बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले मेरा जान रहेगा तब तो हम मैंने रोटी खाएंगे मकान करेंगे, पहले जान तब जान। पहले यदि आप COVID-19 की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी भाई जो है कोविशील्ड के सर्टिफिकेट से अपना सर्टिफिकेट से जो सो फोटो हटवा ले रहे हैं, क्या कारण है? जब उनका साइड इम्पैक्ट दिख रहा है तो फिर आप कैसे कहेंगे जो सो मोदी जी? वैक्सीन मैं भी लगवाया हूँ, साइड इन्फेक्शन तो हमको नहीं। उस चीज को तो कह सकते हैं ना, आपके मोदी जी हैं प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, लेकिन क्यों मोदी जी सो फोटो अपना जो सो सर्टिफिकेट से हटवा रहे हैं? हाँ, क्यों हटवा रहे हैं? जो वैक्सीन उन्होंने देने का काम किया, एक अच्छी काम है, एक मेडिसिन वाले काम है, तो उस मेडिसिन सर्टिफिकेट से अपना फोटो क्यों हटवाया? अपना फोटो वो हटवाए, कुछ उसमें कमी होगा? जबकि सभी चीजों में तो नहीं हटवाया, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट हटवाया, उसमें से कोई कमी होगा? कमी होगा, इसलिए अपना कमी होगा, ये मान रहे हैं कि कमी होगा। हाँ, बात सही है। तो फिर यही तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैंने जो है वो गलत किया। COVID-19 के पीएम केयर्स फंड बनाए जिसमें इतना करोड़ों अरबों रुपया जमा हुआ, उसका हिसाब कहीं सार्वजनिक किए? PIB पे क्या किए, अपलोड किए? वो पैसे कहाँ गए? पीएम केयर्स फंड जो COVID-19 के समय में बना, ये क्या कर रहे हैं? सभी डोनेट किए थे। इसी तरह से जो है पूरे देश भर में बड़ा बड़ा पंडाल, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े, अभी एक भाई साहब बता रहे थे कुछ देर पहले कि सुबह से जो सो हम लोग भूखे हैं, ये पंडाल बना रहे। अभी मान के चलिए इतने इतने करोड़ों रुपए खर्चा करना, इनका जो है सो फंड कहाँ से आ रहा है? बस किसी तरह से जो है सो फंड अलॉट किया, उस फंड के नाम से थोड़ा सा कुछ जारी हुआ, सारा फंड जो है कहाँ गए? बीजेपी पार्टी के खाते में गई। क्या कहना चाहेंगे भैया? इसीलिए तो मोदी जी कर रहे हैं सारा इलेक्शन, एक बार जो खर्च होगा एक ही बार होगा, प्रचार तो सब वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन तो इसीलिए उसी खर्चा को कम करने के लिए ये ला रहे हैं, उसी को देखते हुए। ये इलेक्शन को आपको बहुत बढ़िया से जानना होगा, इनके बहुत साइंटिफिक रीजन जानना होगा, लॉजिकली जानना पड़ेगा, तब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बोलिएगा, एक बार में चुनाव, ये जब कहने का मतलब वन नेशन वन, एक मिनट, झारखंड में एक जो छोटा सा एरिया झारखंड, इसको 4-5 चरण में चुनाव करवाते हैं आप, और कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा लेंगे? कहां तो से संभव है भाई साहब? ये बताइए आप, पूरे लोकसभा चुनाव में मैं बताता हूं करीब 3 महीना समय लगता है, ये इस विश्वगुरु भारत का इलेक्शन करवाने में 3 महीना समय लगता है, और यही इलेक्शन जब USA में होता है, जब अमेरिका में होता है, तो ये 7 दिनों में हो जाता है। कई कई ऐसे कंट्री हैं कि 24 घंटे में इलेक्शन हो जाता है, ऐसा क्यों? ये विश्वगुरु में ऐसा क्यों हो रहा, आप बताइए। अब उसका तो कुछ क्या तकनीकी कारण है, क्या कमी है, क्या कमी है यहाँ? वो तो मान लीजिए कि ठीक है, तैयारी करने में यहाँ लेट होता है, चुनाव प्रचार करने में लेट होता है ना, और वहाँ का एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभी जो मंच संचालक थे वो बोल रहे थे कि लाइट जला के और हाथ हिला के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ सब स्टूडेंट है, ठीक है, मैं किसी के ऊपर व्यंग नहीं करता हूँ, लेकिन 11th और 12th के स्टूडेंट जितने भी हैं वो जरूर दिखाए होंगे हाथ, लेकिन जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, PG कर चुके हैं, और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो केवल और केवल शांति से केवल सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको वो ना लाइट दिखाएंगे ना ताली बजाएंगे, क्योंकि ताली बजाने और झंडा ढोने से जो सो किसी का पेट नहीं चलता है, घर नहीं चलता है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है?
चलिए आपका क्या बोलना है, हम ही पकड़ देते हैं माइक, आप बोलिए खाली। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा हुआ नौजवान हूँ, नौजवान को क्या चाहिए, नौजवान को झलक क्या है, उसके लिए कोई भी पार्टी आती उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। नौजवान को चाहिए झारखंड में नौकरी, नियोजन नीति, नियमावली, इसके तहत कोई भी नेता आते हैं बात नहीं करते हैं, ठीक है। पेपर लीक का माध्यम, पेपर लीक का जो सोर्स बन रहा है, ये गिरोह पूरा भारत में फैल रहा है, इसका मेन सोर्स कौन होता है, इस पर कोई नेता पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ये देश के शिक्षा मंत्री बोलते हैं पिछले 7 साल से एक क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, कहाँ बोलते हैं, संसद भवन में बोलते हैं। उनको ये तक पता नहीं कि नीट का, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम नीट का भी जो है सो पेपर लीक हुआ है, और ये बोलता है कि 7 साल में परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेता ये चीज जान लें कि ये भीड़ जो आज देखे आपने, वो आपके वोटर नहीं है, ठीक है। आपको बड़ा बात बोल रहे हैं, ये देखने के लिए आपको आए थे, ठीक है, केवल आपको देखने के लिए। आप भी जो है सो लगभग अभी 1.5 घंटा से जो है सो भाषण दे रहे हैं, एक बार भी नियोजन नीति की बात नहीं की है, एक बार भी आप स्थानीय नीति की बात नहीं की है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि 83 करोड़ का जो है 83 करोड़ का जो योजना शिलान्यास किए हैं, इसका केवल आप कागज पे जो है सो उतारे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। योजना दीपावली के अवसर पर कुछ इसका कोई फायदा आदिवासियों को नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। यदि आपको आदिवासियों का रियल स्थिति जानना है, रियल सिचुएशन जानना है, तो आप इस मेन टाउन से 15 किलोमीटर बाहर आदिवासी गांव में चल जाइए, आपको सारा जो है सो विकसित भारत का जो है सो नमूना दिख जाएगा भाई साहब, विश्व गुरु का नमूना। बात सही है, हाँ सही करते हैं इनका बात, राइट राइट राइट। डिजिटल भारत 15 किलोमीटर। और आपके चैनल से माध्यम फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी का विश्व गुरु है ये, यस घुस गुरु मानते हैं, सेंटर में काम ठीक करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, आइए आइए आप इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोला चाहे, कहा सेंटर में नहीं काम हो रही, कैसे कोई काम है, झारखंड का पेपर लीक हो गया उस पर आवाज उठा रहे, पेपर नीट के बारे में एक बार भी बोले, रोजगार के बारे में एक बार भी बोले, खाली जाति के बारे गला रहे हैं, तो कहाँ काम है। और आपके अनुसार आप क्या क्या होना चाहिए, जात पात और धर्म में सूट के हम लोग को वोट देना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहते हैं, हाँ जात पात धर्म से उठ के हम लोग को वोट देना चाहिए। मोदी गोदी मोदी हो गया है, इसके इसको 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 हटाना ही हटाना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं चलेगा। जो RJD करता था वो यही काम कर रहा, जो कांग्रेस करता था यही कर रहा, हम लोग का युवा नेता चाहिए और इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। जन स्वराज पार्टी जो बन रहा है उसको देखिए, कम से कम उसका आवाज को कम से कम सुनिए, ये खाली जाति बाती खाती बस यही सब करते रहेगा, खतियान पतियान के बारे में कुछ नहीं करेगा। आपका कहने का मतलब है कि जो ये मोदी जी यहाँ भाषण कर रहा है वो बेफजूल है, फजूल है, पूरे फजूल, झारखंडियों के लिए नहीं है, नहीं है, एक बूंद नहीं, कहाँ झारखंड के पॉलिटिक्स का भैया, देखिए भैया ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, सब चुनावी प्रोपेगेंडा दिखाएंगे भाई, हमारे प्रधानमंत्री है भाई, हमारे प्रधानमंत्री है भाई, हम देखने आ गए इसी चलते, किसको जरा मा तो बोलने आता है, अरे बोलने आता है उसको, तो क्या बोलता है, जयराम मातो को बोलने नहीं आता, चला गया रहा सारे पास, क्या जयराम मातो, ये कह रहे जयराम मातो बोलने, बताओ एक मिनट, जयराम मातो को क्या बोलने नहीं आता, जयराम मातो क्या नहीं, आपका एक नेता को जाता है BCCL में बात करने के लिए, BCCL में इतना मौतें होती है, CCL में इतनी मौतें होते हैं, क्या क्या नेता क्या मतलब है, केवल वोट लेगा, केवल वोट लेगा, केवल नेता वोट लेगा, सबको रोजगार, केवल नेता वोट लेगा, केवल वोट लेगा, बीजेपी के नेता का यही पॉलिसी है, वोट के समय आएंगे वोट लेंगे, मजदूर मरेगा, मैया योजना से हमको कोई मतलब नहीं, मैया योजना की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जयराम महतो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आज जयराम महतो एक नया चिंगारी आ रहा है, एक नया BCCL में जितना मौत होता है, कोई अमर कुमार बावरी झुल्लू महतो कोई आवाज उठाता है उसी क्षेत्र से है, मैया योजना कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो गया, बता कितना खर्चा हो गया, बताया जा रहा है करीब 48 लोगों महिलाओं को लभावित होंगे, हाँ तो कितना उनसे 10,000 पर मंथ गुना कर लीजिए खुद निकल जाएगा, तो इतना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हो, पैसा क्या करता है, जागरण का खर्च में खर्चा होता है, बंद कर दे, जहाँ तक
जयराम महतो की बात है, जयराम महतो की बात है, जयराम महतो की बात है। तो जयराम महतो को जो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने का अकल नहीं है, तो बोलने का अकल किसको है? ये आके आके मुंह में मीठा 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 बात करने का जयराम और मोदी के समर्थक दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। यदि जयराम महतो को जो बोलता है कि भाषा का, भैया हम उन्हें कहते हैं भैया महतो के, भैया कोई भी एक कोई भी नेता है, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अरे भैया एक दिन टेबल टॉक कर ले जयराम महतो से, तब मान लेंगे उसको। बात करें भैया, एक बात हम उन्हें करें, महिला योजना में सब महिला को 1000 रुपए देने का बात किया, ठीक है, देने का बात किया, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्चा कर दिया, वो पैसा दिया, वो पैसा, ये तो कह रहा है कि ये जेएमएम का बातें नहीं कर रहा, बात पहले बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, झारखंड का बात क्यों नहीं करेंगे, मैं जेएमएम का करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, जयराम महतो को, मैं जयराम महतो को, मैं जेएमएम की बात नहीं करता, और इस बात को मैं इस बात का पहले खंडन कर चुका हूँ कि बीजेपी कांग्रेस सभी जो है सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, इतने बड़े पंडाल बना के वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करता है इन लोग, इसीलिए जयराम महतो को इस बार हर हाल में प्रयास करना है। तो देखिए आपस में जयराम के समर्थक और मोदी के समर्थक दोनों भिड़ गए थे, जिसके चलते यह वार्तालाप और ये डिबेट हमको रोकना पड़ रहा है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी जो है इस डिबेट में भाग लिए थे, सभी बोल रहे थे बेहतरीन तरीके से, और इस वार्तालाप और इस डिबेट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।